जीवात्मा कहलाता है, जीवात्मा कहलाता है जब वो जीवन धारण करता है, नहीं तो वो जीवात्मा केवल आत्मा है, और जब वो केवल आत्मा है तो वो ब्रह्मवाच्य के अलावा स्वयं ब्रह्म ही है। मतलब हमने बीच में एक दिन पढ़ा था अस्पष्ट ब्रह्म, एक है स्पष्ट ब्रह्म, एक है अदृश्य ब्रह्म, एक है दृश्य ब्रह्म, एक है निराकार ब्रह्म, एक है साकार ब्रह्म। कहते हैं ये क्षर और अक्षर से अतीत जो ब्रह्म है उसका कारण स्वरूप अर्थात उसकी प्रतिष्ठा मैं हूं। प्रतिष्ठा का मतलब जिसके ऊपर वह प्रतिष्ठित है, वो टिका हुआ, तिष्ठित है, टिका हुआ, जिसके कारण से वो है, उसे कहते हैं प्रतिष्ठित ब्रह्म। एक अप्रतिष्ठित ब्रह्म है, एक प्रतिष्ठित ब्रह्म है, एक निर्विशेष ब्रह्म है, एक सविशेष ब्रह्म है। जो निर्विशेष ब्रह्म है धारण किया ही नहीं, ठीक है, जिसने जीवन धारण किया उस आत्मा को एक विशेषण लग जाता है। अभी मैंने 3 4 10 सेकंड पहले बोला, वो विशेषण क्या लगता है बताइए, अब आपका क्या किया जाए, आपका क्या किया जाए, क्या लगता हो विशेषण? शुरुआत मैंने किन शब्दों से की थी, तो वो विशेषण है। आत्मा का क्या लग गया? विशेषण। किस कारण से लगा? कुछ विशेष उसमें जुड़ गया, वो जीव जुड़ा। जीव मतलब जिसका, उसे जीव कहते हैं, जिसका जीवन है उसे जीव, और जिसका जीवन है उसकी मृत्यु भी है। इसका हुआ फिर जीव, उसका अंदर जीवन जो है शरीर का हुआ, शरीर जीता है, शरीर मरता है। तुम उनके पीछे छुपे हुए क्यों रहते हो, पीछे क्यों रहते हो, इधर हो जाओ थोड़ा सा। आत्मा देह धारण करती है, और ऐसी देह जिसकी गति एक ना एक समय मृत्यु है, जीवात्मा कहते हैं। लेकिन वही आत्मा यदि अपने कारण स्वरूप में, कारण स्वरूप मतलब जिससे वो आई है, जिससे वो बनी है, जिससे उसने धारण किया है, क्या धारण किया है, रूप धारण किया है। रूप, उसने रूप धारण किया अस्पष्ट से, स्पष्ट हुई है। शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान, मतलब जो दिखा उससे स्पष्ट हुई, निराकार से जिसने आकार धारण किया। गुरुजी एक दिन बोलते कहते निराकार से आकार कैसे हो सकता है। गुरुजी का कहना था निराकार से आकार नहीं होता, नथिंग कैन ऑफ कॉज समथिंग कॉज ऑफ द समथिंग, जब है ही नहीं उससे कुछ कैसे हो सकता है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म का आकार नहीं, इसका मतलब ब्रह्म जिसे निराकार कहते हैं उसका भी एक कारण है जिस कारण से वह निराकार प्रकाश, लेकिन वह निराकार जो प्रकार प्रकाश है वो जो अस्पष्ट ब्रह्म है जो स्पष्ट दिखलाई नहीं दे रहा है वो स्पष्ट ब्रह्म जो है वो दृश्यमान होता है अणु के रूप में, छोटे छोटे अणुओं के रूप में, और उस अणु को कहते हैं ब्रह्मभूत। क्या कहते हैं? गीता में कहते हैं ब्रह्मभूत, और आज हमने जो चतुर्थ अध्याय पढ़ा उसके अंदर बहुत ही विस्तृत स्वरूप से इसका वर्णन किया है भगवान ने कि वो ब्रह्म ही ब्रह्मणो गति, ब्रह्म में ही यज्ञ करो, ब्रह्म ही यज्ञ अग्नि है, ब्रह्म ही दे डालने वाला है, ब्रह्म ही लेने वाला है, सब कुछ ब्रह्म ही है। इसका मतलब क्या है? जो आज तक हम लोग हमेशा से निराकरण कर कहते हैं कि ये ब्रह्मवाद, अहम ब्रह्मस्मि, सोहम प्रज्ञानाम, ब्रह्म शिवोहम इत्यादि, अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि इत्यादि जो शब्द हैं ये भ्रामक शब्द हैं हम जो बोलते आए हैं, और हम इस ब्रह्मवाद का पूरी सब क्या है, क्या ये गलत करते आए? जो भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं उसे तो सही मान, तो क्या हमारे गुरुजनों ने गलत बोला? सारी बातें बिल्कुल पूर्णतया, मतलब 100 नहीं 1000% अपनी अपनी जगह पे सत्य, 100% हम जो बातें कह रहे हैं, अंतर सिर्फ ये आता है जब वह उससे ऊपर कोई मानते नहीं कारण को। मैं इसे साफ के रूप में समझाना चाहूं तो कुछ ये फूल की पंखुड़ी कहां से आया, आप जवाब देंगे कहां से आया रंग फूल की इस पंखुड़ी में, रंग कहां से आया? नकल कहां से? ठीक है, इसको प्रकाश से इस पत्ती ने इस तरह का रंग लिया, इसके बीज ने, इसकी डाली ने, इसके जो भी इसका जड़ से इसने जो रस लिया वह रस सूरज की रोशनी में जाकर के इस तरीके ये गुलाबी बना, कोई सफेद बनता है, कोई पीला बनता, नीला बनता है। वो कारण उसका बीज नहीं है। अगर देखा जाए रंग का कारण बीज नहीं है, लेकिन प्रशित भी नहीं किया जा सकता। बात समझ रही मेरी? पीले फूल का होगा, पीले गुलाब का होगा तो पीला ही रंग आकर्षित करेगा। बीज इसका कारण नहीं है रंग का, क्योंकि रंग तो सूरज, ये बात समझ आ गई? लेकिन मेरा प्रश्न है, सूरज की रोशनी तो सब जगह पड़ रही है, ना हो तो क्या सूरज की रोशनी वो पीला रंग खींचेगी या लाल रंग खींचेगी? नहीं। अब कारण को ध्यान दीजिएगा, अब कारण को ना बीज बना, रंग का कारण साथ साथ जवाब दोगे ना तो अच्छा लगेगा।
इसका मतलब बीज कारण है, ये बात सिद्ध हो गई, ठीक है जी। एक दृष्टि से जिसने बीज कारण है ये बात सिद्ध की, रंग पीले, दूसरी जगह ये बात भी सिद्ध होती है कि ना इसका कारण बीज नहीं, इसका कारण सूरज की किरणें हैं। रंग का कारण क्या है? सूरज की किरणें। अगर सूरज की किरण बीज रंग देगा जी, फूट तो जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन ये रंग कहीं से भी नहीं ले पाएगा। अगर ये ढका हुआ हो इन लोगों के गांव में, हाँ अब सुनो मत पूछो ना प्रभु, बांस की सब्जी बनती है। कैसे बनती है? बांस की छोटी छोटी जब कलियां निकलने लगती उसको ढक देते हैं, हल्की सी उसमें रोशनी जाती है, बिल्कुल गर्मी जाती है उसकी, सूरज की रोशनी की, तो वो अंदर 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 नया नया, मतलब जैसे नरम होती है ना, तो वो सारी की सारी जड़ की तरह ही बढ़ती जाती है, गुच्छा बनता जाता, फिर उसको काट काट के बड़ा ही नरम नरम होती है, बड़ी नरम होती है वो, ऐसे ही जैसे तोरी नरम होती ना, इतनी नरम होती है उसकी सब्जी बनती, ध्यान दीजिएगा, उसकी सब्जी बनती। लेकिन वो कलर जल के जैसा हल्का पीला सा, हल्का पीला सा रहता है, क्यों? अब ध्यान देना, दोनों बातें सिद्ध होती हैं, दोनों बातें सत्य होती हैं, कि बीज के कारण रंग होता है, पक्की बात, सही। एक जगह दूसरा, रोशनी के कारण रंग होता है, बिना जितना मर्जी खिल जाए हो नहीं सकता, ये बात भी पूर्णतः सिद्ध हो गई। अब बात आती है कि अगर सूरज की ये कहें कि मेरे कारण से समस्त जगत जो भी वस्तुएं दिखलाई देती हैं मैं उसका कारण हूं, यहां कोई गलती है? कहीं गलती है? कहीं भी गलती नहीं है। कैसे है? सिद्ध कीजिए। उसी बात को बोल रहा हूं, उसे ध्यान से सुनेंगे अभी, हाँ उसी बात को सुने, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर जो किरणें कह कि मेरे कारण से, ध्यान दीजिएगा, आज ऐसा विज्ञान गुरु जी की कृपा से प्रकट है, हो रहा है, जिसे हमने ध्यान से समझना चाहिए। मेरे कारण से सारे रंग उत्पन्न हो रहे हैं, बीज प्रसव, पेड़ बन रहे हैं, पौधे बन रहे हैं, मेरे कारण से ही जीवों की चमड़ी में ताकत आ रही है, जीव देख पा रहे हैं, मेरे ही कारण से दृष्टिगोचर हो रही है वस्तुएं, मेरे ही कारण से अग्नि इस संसार, क्या गलत है? इस किरणों को आप मान, किरणों को क्या मानिए? माया, भगवान की महामाया, त्रिगुणात्मिका माया। त्रिगुणात्मिका माया का मतलब क्या है? अब मैं थोड़ा सा एक दूसरा उदाहरण देकर समझा रहा हूं। मेरे साथ में बनाने वाला नहीं है जो कि इस चीज को समझा सके। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं सकता ना, ने का तो अलग चीज है। संसार ये किरणें जिससे आ रही हैं, हम सूरज को ले रहे हैं इस वक्त,
अब थोड़ा सा यदि हम इन किरणों को इस जगत में होने वाले समस्त हड्डियों को धारण किया है, जो भी यहां पे सॉलिड हो नहीं सकता है, जो भी दृश्यमान है, कुछ भी दिखने वाला तत्व, वो बिना इन किरणों के, बिना अग्नि के वो संभव संभव है। इसी अग्नि को बोलते हैं, इसी यो महामाया को हम त्रिगुणात्मक का कहते हैं। विषया वेदा नैस्त्रय गुणा वह अर्जुन, भगवान गीता में कहते हैं मेरी ये त्रिगुणात्मक का माया जो है, मामे वजे प्रपंते माया मितम तरंतिते, देवी हैशान हैशान गुण गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये जो किरणें हैं ये गुणमयी हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे हैं। इन किरणों से एक बीज बीज ने अंकुर प्रकट, और अंकुर प्रकट होकर के उसने फूल पत्ती इत्यादि बन गया। जन्म देने वाली कौन है? किरणें। उसका नाम क्या हुआ? जन्म देने से रजोगुण। ठीक है, रजोगुण। ठीक है, अंदर जो इसको पालन कर रही है, कौन कर रही है? किरणें। वो क्या हो गया? उसका नाम सतोगुण। ठीक है, अभी यही किरणों से जब इसका समय समाप्त होता है, इस पेड़ का, इस रवि शस्य का, जहां इस की उम्र खत्म होने को होती है, को खत्म कर देती है। डल नहीं जी, खत्म कर, रोशनी नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं होती है वहां प्रस्फुटन भी नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए आप चले जाइए साउथ पोल में, वहां पेड़ पौधे नहीं होते। मेरे उसका अंटार्कटिका बोलते, मैं उसको नाम मेरा गड़बड़ हो जाता है। हाँ, एंटार्क्टिका और नॉर्वे, वहां चले जाएं तो आप नॉर्वे में कहीं कहीं होता है जहां रोशनी मिलती, जहां नहीं मिलती वहां नहीं होता। तो विषय पे हम वापस आते हैं। अब मैं अगर आपको, ध्यान दीजिएगा प्रभु, अगर मैं अब आपको ये कहूं कि सीता सारी सृष्टि को जन्म देने वाली, पालन करने वाली, नाश करने वाली जो शक्ति है वो सूरज की किरणें हैं, तो क्या गलत है? मैं जो बोल है गलत? नहीं गलत, पूर्णतया सत्य है। और इसी किरणों को अगर मैं बोल दूं महामाया, तो गलत है? कैसे गलत? नहीं। अच्छा, मट्टी भी सूरज की किरणों से ही हुई है। दृश्यमान जो तत्व है तो भी दिखने लगा है, दिखना शुरू हो जाता है जहां से, वहां अग्नि है। जैसे उदाहरण के लिए वाष्प है बोल करके दिख रहा है, जैसे उसमें से जल तत्व उससे अलग होगा, टूटेगा, तो आपको जल दिखाई नहीं देगा, अग्नि ही रहेगी, जहां हवा ही रहेगी। ये बात बड़ी विचित्र है और समझने वाली है। एक दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति, कोई ऋषि इस सूर्य को ही आदि पुरुष बोल रहा है, का मूल है, भर्गो देवस्य, भर्गो मतलब सूर्य, देवस्य धीमहि, वो जो सूर्य को अगर बोल रहा है कोई, जो गायत्री मूल गायत्री है, ब्रह्म गायत्री, उसका ये भर्गोदेव, भर्गोदेव का मतलब होता है सूर्यदेव, भर्गो शब्द, उसके और भी अर्थ आपको मालूम पड़ेगा फटाफट।
जो है उसे सूर्य कहते हैं। इधर से हरि बोल। अगर कोई व्यक्ति उन भर्गो देव को, जिस ऋषि ने कहा कि वही सारे जन्म तप सत जिनके द्वारा सब कुछ हो रहा है वही सब कुछ है, तो क्या गलत है जी? आप जिस तरीके से सृष्टि का चल रहा है उस दृष्टि हम चल रहे हैं, आप कारणों के कारण की तरफ चले जाते हैं, यही सबसे बड़ी अज्ञानता होती है। जो सृष्टि वर्तमान में आपको नजर आ रही है वो अपने आप को बोल रही है, ये गलत नहीं है। सारे शास्त्रों का निचोड़ आज आपको समझ में आने वाला है। आप थोड़ा सा मैं जो समझा रहा हूं उसे समझें, जो आपके दिमाग उसे ऐसे मत मोड़ो, रखो उसको। मैंने बार बार समझाया है कि इनका सम्मान करना सीखिए। मैं नाम उच्चारण नहीं कर रहा हूं, रखिए इसे, इन्हें रखिए। वो कभी लेट करके अपने तकिए के पास ऐसे उठ मुठ, कभी ऐसी जगह नहीं रखना जहां हम पैर रखते हैं, इनको सम्माननीय जगह पे रखना हमेशा। आसन दे के रखो, वस्त्र दे के रखो, नहीं तो ऐसे देखिएगा। मैं आज सभी देवी देवताओं से लेके ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म से लेके परब्रह्म तक की बात को करने की कोशिश कर रहा हूं। जितने देवी देवता हैं वो सारे एक एक सृष्टि के अंदर हो रही क्रिया के एक एक परमाणु की तरह कार्य कर रहे हैं। जिन्होंने गायत्री को प्रकट किया, ब्रह्म गायत्री, ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, उन्होंने भर्गो देव कहा, सूर्य को भर्गो कहा, भर्ग भर्गो। भर्ग होगा, भर्ग मुझे दीजिए, ये ले आइए। भर्गो देव जो है सूर्य को कहते हैं, भर गया। भर्ग जो है शिव का नाम है, ब्रह्मा का नाम है, भर्ग भर्ग शिव और ब्रह्मा का, और भर्गो ये है सूर्य का नाम, भर्गो देव। तो भर्गो देव जो है कहते हैं सूर्य। अब देख, जो देवी देवता जितने होने वाले, जो रूप प्रकट होने वाले, उनके आदि कारण, उनका मूल अगर किसी ने कह दिया सूर्य है, किसी भी दृष्टि से इसे मानना ना मानना नहीं बनता, हम उसे स्वीकार करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इसी एक उदाहरण को आप ले लीजिए ब्रह्मवादियों की तरफ, जो उस ज्योति को जिसे कह रहे थे, उसी ज्योति को यतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्तं विशन्ति विशन्ति तद्विजिज्ञास तदैव ब्रह्म। वो कहते वो ब्रह्म है। अब वो ब्रह्म जिसे कह रहे हैं वह सूर्य से भी ऊपर है, चंद्र और सूर्य से भी वो ऊपर है, विष्णु महेश का भी कारण है कि वो बात कर रहे हैं ऋषि लोग। तो कहते विष्णु का भी कारण है,
तो विष्णु तो उनके भी कहते। विष्णु शब्द जो है हमारा, विष्णु शब्द जहां व्यापकता आ जाती वहां विष्णु शब्द का प्रयोग हम कर देते हैं, जहां व्यापकता आती तो वहां विष्णु शब्द का प्रयोग होता है। अभी जो सूर्य है वो सूर्य कहां से संपूर्ण शक्ति लेकर के दे रहा है? जैसे चंद्र हमको रोशनी देता, चंद्र रोशनी हमको देता है, किससे देता है, कहां से देता है मालूम है? हाँ जी, किससे लेके देता है? आसमान से, सूरज से। हाँ जी, सूरज की जो रोशनी है जब चंद्र पे पड़ती है तो चंद्र से हमारे को ऐसे कांच के शीशे से दूर किसी को लाइट मारते हैं ना, रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं, प्रति छवि जिसे कहते हैं, जहां उसकी प्रतिबिंब कारण करते हैं, ठीक है। तो की किरणें हमें शीतल लगती हैं, सूरज की किरणें गर्म लगती हैं, सिर्फ इसके कारण से, क्योंकि सूरज अपने गुण को प्रकाशित करता है, शीतलता प्रदान करना। विषय पे वापस आते हैं, देखा जाए तो किरणें किसकी हैं? मूल रूप से चंद्र की किरणें, मूल रूप से की, मूल रूप से सूर्य की। लेकिन क्या चंद्र की किरणें सूर्य की हैं? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि वो शीतल है। क्या मैंने बोला मूल रूप से तब सूर्य, जब मैं कह रहा हूं क्या चंद्र की किरणें सूरज की हैं तब हम के द्वारा उसे उसको उस किरणों जो सूरज की किरणों का जो गर्मी है उसे खत्म कर देता है। सूरज की किरणों के अंदर जो उष्णता है, शोषण है, वो खत्म कर देता है, खत्म करके चंद्र अपनी किरणों के एक शोषण करने वाला है और एक पोषण करने वाला है। ये अंतर होने के नाते सूरज और किरण, सूरज और चंद्र की किरणों के गुणों के गुणों के अंदर भेद होने के नाते लोगों को दोनों किरणों का अलग अलग महत्व मानना पड़ता है। ठीक इसी तरह से अब सूरज की जगह आप लीजिए, लीजिए चंद्र की जगह सूरज को लीजिए। सूरज कहां से रोशनी ले रहा है? ब्रह्म से। ब्रह्म कौन है? वह ब्रह्म जो कि अनंतातिति ब्रह्म, जो जिसकी कोई सीमा है ही नहीं, जो असीम है। तो ब्रह्म का कोई कारण भी है क्या? ब्रह्म का कारण श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, ब्रह्मनो हि प्रतिष्ठा अहम्, मैं हूं ब्रह्म की प्रतिष्ठा। जैसे सूर्य की किरणें रही हैं और छोटे छोटे ग्रहों तक जा रही हैं, वहां से हमको तारों की जो तारों की रोशनी आती है ना, तारों की छाया लोग बोलते हैं, वैसे तारों से जो किरणें हमारे तक पहुंचती हैं सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। इसी प्रकार से सूरज को रिफ्लेक्ट करता है और संचय भी करता है, रिफ्लेक्ट करता दो काम करता है। सूर्य ब्रह्म की ज्योति को भीतर भी लेता है और बाहर भी छोड़ता है, इसीलिए मतलब टिका हुआ है। सूरज के अंदर गर्मी हमेशा टिकी हुई है, अनादि काल से जो है सूर्य ऐसे ही जल रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, सुकड़ नहीं रहा है। तो वो जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का मूल कारण कारण परब्रह्म है, उर परब्रह्म को स्वयं प्रकाश कहते हैं, जहां पे सूरज चंद्र इत्यादि की गति नहीं है, उस परब्रह्म को ही सभी कारणों का जब कारण कहा जाता है, का
कारण किसे कहते हैं आप बताएं, बताएंगे कारण? हाँ, जैसे ये चीज है ना, ये अब इसके अंदर, ये इस वक्त कारण है। किसका कारण है? शब्द का। लेकिन जब तक इसका कोई मतलब है, ये तो एक कुछ नहीं है, तो है ना। ये इस शब्द का कारण क्या है? ये कटोरियां, ठीक है ना। अब कटोरी धातु, धातु कौन सी है? इसमें धातु तांबा है, इसमें जिस्ता है, और कांसा, इसमें पीतल, तांबा, जिस्ता, तीनों को मिक्स करके तब ये इस प्रकार के कांसा बनता है। तीनों का मिश्रण ही कांसा होता है। ये जो कांसे की तत्व है, ये अब कारण क्या हो गया? ठीक है, कांसे का कारण वो तीन तत्व, उन तीन तत्वों का कारण। ऐसे जब हम कारण 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 पे जाएंगे तो सब कहते हैं ईश्वरः परम कृष्णा। बोलिए जोर से, सच्चिदानंद अनादि आदि गो सर्व कारण कारणम। सभी कारणों का कारण जब हम बोलने के लिए जाएंगे तो केवल एक मिलेगा। सृष्टि का कारण है, ब्रह्मा हैं, शिव जी हैं, हो सकते हैं विष्णु हैं, हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि योग माया ने ब्रह्मा विष्णु शिव को उत्पन्न किया हो। ब्रह्म है, योग माया ब्रह्म है, ये आप कैसे कह सकते हैं? गीता उठाइए, मम योनि महद ब्रह्म, वो मेरी जोनी है, मैं अर्थात वो प्रकृति है मेरी। क्या प्रकृति है? परा प्रकृति है, वो मेरी मूल शक्ति है। ब्रह्म को भी शक्ति कहा गया है, तो उस दृष्टि से अगर देखेंगे तो ब्रह्म जो है मूल शक्ति होने के नाते एक समय में उस मूल का भी अवतरण हुआ है, ठीक है जी, और एक समय में सारी सृष्टि के कर्ता, जन्म देने वाले, रक्षा करने वाले शिव भी हुए हैं, क्योंकि शिव को भी जो सदाशिव हैं वो नारायण हैं। सदाशिव क्या हैं? नारायण नारायण, हरि हर एका, एक ही है। तो उस दृष्टि कांड के अनुसार कहता है सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता मालिक कौन है? शिव जी हैं। तो क्या गलत है? जैसे कि ये बोला गया, मैं ये जो ये सृष्टि का कारण है, क्या गलत है? नहीं गलत। लेकिन को बोले कोई गलत नहीं, लेकिन जब इनके ऊपर जाते हैं जिनको ये कहते हैं कि हाँ भाई यही है देवी, यही है परम, जब उस परम पे जाते हैं तो वहां जाने से पता लगता है कि इस परम को भी कहीं से प्राप्ति हो रही है। जिससे प्राप्ति हो रही है उसे ब्रह्म, और उस ब्रह्म के कारण स्वरूप भगवान स्वयं कहते मैं हूं। इसीलिए कृष्ण जो है सब कारणों के क्या हैं? नंद नंदन, ये शब्द बाद में आया है। क्यों नंद नंदन शब्द बाद में आया है? क्योंकि नंद को आनंद दिया के लिए है नंद नंदन। नंद नामक एक भक्त को नंद नंदन, हम नंद नंदन कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें संबंध है, उसके साथ में रिलेशन होने के नाते हम नंद नंदन कृष्ण की उपासना करते हैं। संबंधहीन जो कृष्ण है, संबंध के बिना वो कृष्ण, एकला कृष्ण, उस कृष्ण का जो है वो अकेला कृष्ण जो है, जो है एक ही, दोनों का
एक ही कृष्ण जो है संबंध युक्त है और एक ही कृष्ण जो है निर्विकार, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि उदाहरण जो है लगेगा नहीं पूर्णतया होगा, लेकिन फिर भी देखिए, जब हम लोग इस वक्त वार्तालाप कर रहे हैं, हमारी आंखें भी देख रही हैं, हमारा मन भी साथ साथ सोच रहा है, ये नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं वैसा, जो ये सब चल रहा है ना साथ साथ। लेकिन जब हम सोते हैं समय में, और ऐसी निद्रा होती जहां कोई स्वप्न नहीं होता, जहां पे कोई स्वप्न नहीं होता, उस अवस्था को अवस्था कहते हैं। उसमें कोई संबंध नहीं होता, किसी तरह का कोई भी संबंध संबंध है क्या? ना मन बुद्धि का संबंध है, ना शरीर का संबंध है। इन दोनों से अलग हट करके एक ऐसी अवस्था आती, समाधि। क्या कहते हैं? समाधि शब्द का अर्थ कीजिए संधि विच्छेद करके। समाधि, यहां धी बुद्धि सम हो जाए, जहां बुद्धि रूप से विलीन, उसे कहते हैं समाधि। धी का मतलब बुद्धि, धी का मतलब जहां क्षमता आता ना, धीमान, धीमान मतलब बुद्धिमान, धीरा मतलब होने वाला, जो दिमाग बुद्धि जो है धीर, रहा रहा, धी मतलब बुद्धि, रहा मतलब रहा। हाँ, तो धीम मतलब ध्यान, ना ना, धीम ही मतलब मही, अपने ध्यान को उसमें लगाइए, उसको बोलते धीम ही, ध्यान करता हूं है, इसलिए मही है। बुद्धि के द्वारा ही ध्यान किया जाता है, बुद्धि के द्वारा ही विचार किया जाता है। कहाँ? समाधि में बुद्धि क्यों नहीं होगी? जहां समाधि बुद्धि कहते हैं विलीन हो जाए, जहां स्थिर हो जाए, जहां जहां पे क्रिया सम का मतलब जहां पे उसकी अवस्थाएं नहीं है, उसे कहते हैं बुद्धि। जब समाहित हो जाता है, जब समाहित हो जाता है, तभी उसको धी समाधि कहते हैं। चित्त भी जहां समाधि में समाधि हो जाए, उसे समाधि कहते हैं। विशेष रूप से अब बात को वापस एक है भगवान का सारे का सारा संबंध जो कि सभी से है, उस संबंध में भगवान प्रेम भी कर रहे हैं, भगवान लेना देना भी कर रहे हैं, उस संबंध में भगवान कारणों के कारण भी हैं, और कारणों के कारण भी हैं, ठीक है? उसमें कारण भी स्पष्ट है और कारणों के कारण, एक समय कारण है ना कार्य है, लेकिन कारणों के कारण अपने आप में जो स्थित हैं सम्यक रूप से, जो अपने आप में ही हैं, जो आप्त काम हैं और आत्मराम हैं, उन परब्रह्म परमात्मा श्री हम लोग इसलिए नहीं भजन करते क्योंकि वह संबंध युक्त नहीं है, और हम संबंध युक्त होने की बात करते हैं कि वो कारणों के कारण भी हैं, कारणों के कारण भी हैं।
जहां कारण भी नहीं कार्य भी नहीं फिर भी वो हैं, उसका क्या समझे? मानिए इसे क्या मानिए? पृथ्वी। इसे अगर हम लोग, राधे राधे, अगर हम लोग इस पृथ्वी को करके बिल्कुल जला, इसको पूरी तरह नष्ट करेंगे, मतलब इसमें से जो गंध है, गंध उसको जब अलग कर देंगे तो एक ही तत्व बचेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसी प्रकार से आत्मा का कारण परमात्मा जो हम लोग कहते हैं, आत्मा का कारण कौन है? वो वाली लाइट जला देना, दूसरी लाइट, दूसरे लाइन की दूसरी लाइट, दूसरे लाइन की दूसरी लाइट। तो वो कारणों का कारण हम उसे कहते हैं। अब आप देखिए, आज मैं जो विषय परमात्मा इंद्र को कहा, अब तीसरी बार परमात्मा वो आत्मा को कह रहे हैं कि आत्मा के बिना तो क्रिया हो नहीं सकती। बिना आत्मा के जब क्रिया नहीं हो सकती तो सब कारणों का, मतलब क्रियाओं का, सब कार्यों का कारण कौन हुआ? आत्मा। तो आत्मा को ही उन्होंने परमात्मा कहा है। लेकिन इस ऐत्रेयी उपनिषद के अंत में आकर के फिर वहां एक तो एक संदेह उत्पन्न हो गया उन लोगों को। वो संदेह क्या उत्पन्न हुआ कि आखिर हम उसको बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, सबको ही हम कर रहे हो, और आत्मा का अर्थ परमात्मा भी होता है। जैसे प्रकाश का अर्थ सूरज के प्रकाश का अर्थ सूरज भी है, आत्मा का अर्थ परमात्मा आखिर में है कौन? यहां पे आके उन्हें प्रश्न हो गया। प्रश्न के अंत में जाकर के उन्होंने एक बात कही, विचार करके निश्चय करने पर सब प्रकार से शक्ति प्रदान करने वाले, रक्षा करने वाले स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा जी से कहते हैं, यही ब्रह्मा है। और प्रथम अध्याय में प्रजापताओं प्रजा ये सब इंद्र आदि देवता, पंच महाभूत, पृथ्वी, वायु, आकाश, तेज, अग्नि, छोटे छोटे मिले हुए दूसरे से, अंडे से उत्पन्न होने वाले, मैल से उत्पन्न होने वाले, जमीन फोड़ करके निकलने वाले, जितने भी हाथी के मनुष्य जो जो को सब कुछ है, कहते सब कुछ, सारे के सारे चलने फिरने वाले जितने भी जीव हैं, ये सब के सब प्राणी प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा पाकर ही अब आ गए। वो कहते रहे, अब उसके बाद पा करके वो प्रज्ञान स्वरूप, अब वो प्रज्ञान को परमात्मा कहने लगे। देखिए प्रज्ञान शब्द आया, कौन सा शब्द आया? प्रज्ञान मतलब प्रकृष्ट ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान का मतलब जिसमें अज्ञान पूरी तरह, जिसमें अज्ञान की लेश मात्र भी नहीं, प्रकृष्ट ज्ञान कहते। उस प्रकृष्ट ही ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म, उसी ब्रह्म को ये लोग अब परमात्मा। जिस प्रकार से हमने यहां पे बतलाया, एक ही तत्व को कारण हमने बोल दिया, इसको ही हमने कारण बोल दिया, बीज को ही हमने कारण बोल दिया है, बीज अपने खूंटा गाड़ के बता दिया कि यही परमात्मा है, यही सब कुछ है, तो आप समझ लीजिए उसके अंदर और कोई ना कोई कारण है। उस कारण को जब आप खोजेंगे, वास्तविकता में तत्वज्ञानी क्या हैं? और आप लोग तत्वज्ञानी निश्चित रूप से हैं। स एतेन प्रज्ञ आत्मनः अस्मान् लोकात्
उत्क्रमाय उत्क्रम्याम स्वर्गे कामानाप्त कामा आप सर्वान कामाप्त अमृतः संभवत्व संभवत्व। आज उपनिषद यहां पे समाप्त होती है। कहते जिसने इस प्रकार प्रज्ञान रूप परमेश्वर को जान लिया, प्रज्ञान रूप परमेश्वर ब्रह्म को जान लिया, वह इस लोक से ऊपर उठकर अर्थात शरीर त्याग कर परमानंदमय परम धाम में, यहां धाम शब्द आया है, धाम शब्द श्लोक में है, स्वर्गे लोके, स्वर्गे लोके, स्वर्गे लोके मतलब यहां स्वर्ग लोक नहीं है, पहले ही बताया था, स मतलब होता वह, वर्ग मतलब एक दो तीन चार, स्वर्गे लोके अर्थात स्वर्ग लोकों में सर्वोपरि उस परम धाम को, परम धाम में जिसमें स्वरूप का पूर्व मंत्र वर्णन है, उस प्रज्ञान के अलौकिक भोग को समझा। मैं आज इस उपनिषद लोगों को एक कंक्लूजन दे रहा हूं, एक समापन, मतलब किस प्रकार से उपनिषद शुरू हुई थी, किस प्रकार से आज उपनिषद समाप्त हुई। उपनिषद की शुरुआत में यहां पर हम लोगों को इंद्रियों के जो देवता हैं, अब बने इंद्रियों के देवता, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करनी चाहिए तब तो ब्रह्म है आठ रूप धारण।